गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज आपके सामने एक सरप्राइजिंग वीडियो मैं आपके सामने पेश करूंगा। आज का जो टॉपिक है गाइस, वो है हमारे जीवन में संगीत का क्या महत्व है। आज तक बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन या मोटिवेशनल स्पीकर्स, कैरियर गाइडर्स बहुत टॉपिक्स पे बात करते हैं, बट जो आज मैं टॉपिक आपके सामने ला रहा हूँ वो आपके लिए एकदम सरप्राइजिंग है। द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिक, यानी संगीत का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और उसके साथ ही मैं आपको एक छोटा सा अपना संगीत भी प्रस्तुत करके दिखाऊंगा, राइट। सो गाइज, आप सभी जानते हैं कि संगीत का सभी के जीवन में और इस व्यस्त जीवन में बहुत बड़ी महान भूमिका होती निभाता है। ये हमें खाली समय में और व्यस्त रखने में और हमारे जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। संगीत हमारे जीवन में आंतरिक वो आवश्यक भूमिका निभाता है। संगीत विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जैसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार जरूरत के अनुसार आनंद ले सकते हैं। आज आपने देखा होगा किसी भी ओकेजन पर, किसी भी हमारे उत्साह के अवसर पर हम जरूर संगीत का प्रयोग करते हैं। हम में से कुछ लोग पढ़ाई के टाइम, कुछ लोग इंडोर गेम्स खेलते टाइम, कुछ लोग आउटडोर कहीं जाते समय म्यूजिक का सहारा लेते हैं, और कुछ लोग तो खाली समय पर कुछ सुंदर से संगीत सुनकर अपना समय व्यस्त रखते हैं। फिर भी मस्तिष्क को आराम दिलाने में और खाली समय में आपको खुश रखने में संगीत बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हमारी भावनाओं को हमारी वास्तविकता से जोड़ता है। यह हमारे मानसिक और आंतरिक स्वास्थ्य को भी प्रदान करता है। और जीवन भर जितनी भी आपकी मानसिक और भावात्मक समस्याएं होती हैं, उनको सुलझाने में, उनसे लड़ने में भी आपको मदद करता है। और संगीत एक ऐसी चीज़ है जो आपको जीवन में खुश रखने में और व्यस्त रहने के लिए सबसे अच्छा साधन भी है। और गाइस, संगीत ही आपको आध्यात्मिकता से जोड़ने का एक साधन है, और आध्यात्मिकता यानी भगवान की ओर आपको ले जाने का, जोड़ने का एक ऐसा यंत्र है जो हमारी ध्यान की शक्ति को, कंसंट्रेशन की शक्ति को बढ़ाता है और हमेशा आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, और आप अपने जीवन में सफलता जरूर प्राप्त करते हैं। सो गाइस, आप सभी लोग संगीत का महत्व जानते हैं, और इसी के साथ मैं आपके सामने एक हारमोनियम पे बजा के एक छोटा सा भजन पेश करूंगा। अगर आपको सही लगे तो लाइक करना, अदरवाइज डिसलाइक कर देना, इट्स योर चॉइस। या देवी सर्वभूतेषु मातृपितृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। गाइज, आज का भजन का जो टाइटल है, इस भजन के माध्यम से भी मैं आपको कुछ संदेश देने की कोशिश करूंगा। भजन का टाइटल है चदरिया झीनी रे झीनी, वो वाला नहीं, मॉडल गाना नहीं, चदरिया झीनी रे झीनी। इसमें चदरिया वर्ड जो हमारे जीवन को इंगित करता है गाइस। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। क्या कहते हैं कबीर दास जी की, जब हम पैदा होते हैं, हर बच्चा पैदा होता है तो हम रोते हैं और जग हंसता है। और कबीर दास जी के साथ ये कहते हैं कि हमें अपने जीवन में ऐसी करनी करनी चाहिए कि हम हंसे और जग रोए। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे नाम रस पी।
चदरिया झीली रे झीली, अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी चदरिया, पांच तत्व की पूनी, नौ दस मास बुनन को लागे, नौ दस मास बुनन को लागे, मूरख मैली की चदरिया झीली झीली। गाइस, इस भजन के माध्यम से कबीर दास जी कहते हैं कि हमारा जो ये जीवन है जिसे चदरिया बोला है, इसे बनने में अष्ट कमल का चरखा लगा है, नौ दस माह एक बच्चा गर्भ में पलता है, यू नो, परंतु जो मूर्ख लोग होते हैं वो इसे मैली कर देते हैं, ये कहते हैं। फिर क्या कहते हैं कि जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेज को दीनी चदरिया, रंग रेज को दीनी, ऐसो रंग रंगा रंग रेन की लालो लाल कर दीनी चदरिया झीली झीली। क्या कहते हैं कि जब मेरी चादर यानी जब बच्चा का जन्म हो जाता है तो उसको रंगरेज यानी टीचर के पास भेजा जाता है शिक्षा दीक्षा लेने के लिए, और रंगरेज यानी गुरु उसमें ऐसा रंग भर देता है कि उसको जीवन लालो लाल कर देते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं कबीर दास जी, चादर ओढ़ शंका मत करियो, दो दिन तुमको दीनी चदरिया, दो दिन तुमको रख लोग भेद नहीं जाने, मूरख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली चदरिया झीली झीली। क्या कहते हैं कि जब आपने चादर ओढ़ी है यानी आपको ये मनुष्य जीवन मिला है तो इस पे मन मत करो, शंका मत करो, आपको दो दिन के लिए ही ये जीवन मिला है, और मूर्ख लोग यू नो इसका भेद नहीं जान पाते हैं और इसलिए अपने जीवन को दिन प्रतिदिन मैली करते जाते हैं। उससे आगे क्या कहते हैं, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल की चदरिया, सुखदेव ने निर्मल दास कबीर सुदामा ने ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो कि त्यों धर दीनी चदरिया झीली रे झीली। क्या कहते हैं कि ध्रुव प्रहलाद और सुदामा ने भी ओढ़ी और सुखदेव ने भी ओढ़ी इस चदरिया को, यानी उन्हें भी जीवन मिला, जो हमारे देश में बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, महात्मा संत महात्मा हैं, परंतु उन्होंने इस चादर को मैली नहीं किया, अपने जीवन को मैली नहीं होने दिया और जो की त्यों धर दी गए। तो इसीलिए कहा गया है जस्ट ट्रायल, यू नो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, और मैं आपके सामने डेली डेली कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज़ को शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों का फीडबैक मिलता है मुझे, बहुत यू नो हैप्पीनेस मिलती है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, यू नो, थैंक्स गॉड, थैंक्स ऑल द बेस्ट, स्टे मोटिवेटेड,
स्टे हैप्पी, और आप भी अपनी लाइफ में कोई ना कोई संगीत जरूर लाएं। थैंक यू गाइस।